हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ आर्टिकल और विवाद भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। यह भाग वन में स्थित है, अनुच्छेद एक से लेकर चार तक इसका वर्णन है। यानी हमारे संविधान में अनुच्छेद एक से लेकर चार तक इसका वर्णन किया गया है और यह भाग एक में स्थित है। आइए अब देखा जाए अनुच्छेद एक में क्या लिखा गया है। तो अनुच्छेद एक में लिखा गया है आपका, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद एक में लिखा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। नीचे देखिए, भारत देश का नाम, संघ शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है। भारत जो है वह देश का नाम है और संघ शासन प्रणाली को दर्शाता है। अब संघ क्या होता है इसके बारे में हम लोग कभी किसी दिन चर्चा किया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आप संक्षिप्त रूप में यहाँ समझ लीजिए। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है क्योंकि भारत विभिन्न राज्यों के मध्य किसी सौदेबाजी या समझौता का परिणाम नहीं है। और दूसरा क्या है, किसी भी राज्य को भारत संघ से पृथक होने का कोई अधिकार नहीं है। पहला है, भारत विभिन्न राज्यों के मध्य किसी सौदेबाजी या समझौते का परिणाम नहीं है। और दूसरा है, किसी भी राज्य को भारत संघ से पृथक होने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है, अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अब आइए अनुच्छेद दो को देखा जाए। अनुच्छेद दो में लिखा गया है, संसद किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है। लिखा गया है दो में, अनुच्छेद दो में, संसद किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है। देखिए, इसमें शामिल करने का बात कहा गया है, लेकिन इसमें यह नहीं लिखा गया है कि भारत अपना क्षेत्र किसी विदेशी राज्य को दे भी सकता है। तो एक बहुत प्रसिद्ध मामला हुआ, आपने शायद सुना भी होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए, बेरुवाड़ी विवाद 1960 में यह हुआ था। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय लोग गए और सर्वोच्च न्यायालय ने यह बताया कि संसद संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय क्षेत्र भी विदेशी राज्य को समर्पित कर सकती है। इसमें देखिए केवल शामिल करना लिखा गया था, इसीलिए संविधान ने यह भी स्पष्ट किया कि संसद संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय क्षेत्र भी विदेशी राज्य को समर्पित कर सकती है। अब देखिए इससे दो संबंधित विवाद, 35वां संविधान संशोधन 1974, इसके द्वारा सिक्किम का भारत में विलय किया गया। यानी 1974 में 35वां संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा सिक्किम राज्य को भारत में विलय किया गया था। और देखिए नेक्स्ट, 100वां संविधान संशोधन, भारत बांग्लादेश सीमा समझौता 2015। यानी कि इसी से संबंधित आर्टिकल 2 से ही संबंधित एक और विवाद था जो कि बांग्लादेश के साथ था भारत का, वह भी समझौता हुआ है माननीय प्रधानमंत्री आपके मोदी जी के कार्यकाल में, 2015 में यह संपन्न हुआ था। आइए अनुच्छेद 3 के बारे में पढ़ते हैं, नए राज्यों का निर्माण। तो इसमें लिखा गया है, संसद किसी राज्य के नाम सीमा क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है और किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। यानी संसद को यह शक्ति है कि वह किसी भी राज्य के नाम सीमा या क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है और किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। आइए अब अनुच्छेद 4 को देखा जाए। जब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत संसद कार्य करेगी तो 368 के संदर्भ में संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। हमने अनुच्छेद 2 में पढ़ा, संसद
किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है। अनुच्छेद 3 में हमने अभी पढ़ा कि नए राज्यों का निर्माण, यानी कि संसद किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है और किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि संसद जो इसमें दो और तीन में जो कार्य करेगी, 368 के संदर्भ में संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। हमारी राय है कि इस वीडियो को आप बहुत से बहुत ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।